अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। लेट्स स्टार्ट अवर लेसन नंबर 3। लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 700 सॉल्व किए थे। आई होप आपने वो कंप्लीट कर लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज हम अपना पेज स्टार्ट करेंगे 9, पेज नंबर 9। ओपन द पेज नंबर 9, लुक एट दिस पेज। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे क्या गिवन है। सबसे पहले हम पार्ट ए की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विच नंबर्स कम जस्ट आफ्टर द फॉलोइंग नंबर्स। आपको पता है हम नंबर्स पढ़ते हैं, काउंटिंग पढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4। फर्स्ट पोजीशन पे क्या नंबर आता है, सेकंड पे क्या आता है, थर्ड पे क्या आता है, फिर हम इस तरह नंबर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि 5 नंबर 5 से प्रीवियस नंबर कौन सा है, यानी कि विच नंबर्स कम्स बिफोर, ठीक है, एंड वट विच नंबर्स कम आफ्टर एंड विच नंबर कम इन बिटवीन। ओके, तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या देख रहे हैं, विच नंबर्स कम जस्ट आफ्टर द फॉलोइंग नंबर्स। एक नंबर आपको गिवन दिया हुआ होगा, उससे अगला नंबर आफ्टर जो वाला जो नंबर है वो आप यहाँ पर इस ब्लैंक में लिखेंगे। जैसे काउंटिंग में अगर हम देखें तो 63 के बाद क्या आता है, 63 के बाद क्या आता है, काउंटिंग पढ़ेंगे हम 64। ओके, इसी तरह ही 90 के बाद क्या आएगा, 90 के बाद एक नंबर और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 91। उसके बाद हम काउंटिंग आगे बढ़ाते जाएंगे तो वो नंबर आफ्टर वाला बन जाएगा। जैसे 42 के बाद क्या आएगा, 43। ओके स्टूडेंट्स, बट विच नंबर्स कम आफ्टर, इसी तरह ही आपने नंबर्स को काउंट करना है, उससे अगला एक नंबर आपने लिखते जाना है इन ब्लैंक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह ही आप सेकेंड वाले स्टेटमेंट देखिए, हम इसमें क्या है, विच नंबर्स जस्ट कम जस्ट बिफोर द फॉलोइंग नंबर्स। एक नंबर दिया होगा हमने, उससे पहले वाला नंबर जो गुजर चुका है नंबर वो बताना होगा। ठीक है, बिफोर इससे पहले वाला, जस्ट बिफोर यानी कि जो नंबर से पहले नंबर आता है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट करेंगे। जैसे एक नंबर आपको गिवन है 52, लेकिन 52 कैसे आया, पहले इससे पहले क्या नंबर था, इससे इसमें से हम एक नंबर माइनस करते जाएंगे। जैसे हमने ऊपर बोला, जब आफ्टर आएगा तो एक नंबर ऐड होगा, जब माइनस बिफोर आएगा तो इससे पहले वाला नंबर यानी कि एक नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, तो डैट इज़ बिफोर के लिए 51, 52 से पहले वाला नंबर हम लिखेंगे। इसी तरह ही आप काउंटिंग पढ़ते हैं ना, 51 52 52 आफ्टर में आता है, जबकि 52 से बिफोर क्या आएगा, 51। इसी तरह ही 50 से पहले क्या आएगा, स्टूडेंट काउंटिंग करेंगे, 50 से पहले क्या आता है, 49। ओके, 49 50। ओके, 99 से पहले क्या आएगा, यस वेरी गुड, 98। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह ही आपने इन नंबर्स को, जो नंबर्स जस्ट बिफोर हैं वो आप बाकी के कॉलम को राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा, जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर अब हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं किस स्टेटमेंट की तरफ, थर्ड स्टेटमेंट में देखते हैं क्या लिखा हुआ, विच नंबर इज इन बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इन स्टेटमेंट्स को पढ़े बगैर स्टूडेंट्स कुछ भी सॉल्व नहीं करना। ओके, आपने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है पहले, फिर आपने आंसर्स को सॉल्व करना है ताकि आपको ईजीली समझ आ जाए। विच नंबर्स इज इन बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स के दरमियान में कौन सा नंबर आएगा। दो नंबर्स आपको गिवन है, बिफोर एंड वाला और आफ्टर वाला, जबकि इसके सेंटर में हम देखेंगे, बिटवीन हम देखेंगे कौन सा नंबर आएगा, 69 के बाद हम काउंटिंग करेंगे, 69 के बाद क्या आता है, यस 70 सेंटर में, एंड देन 71। 69 एंड 71 के सेंटर में क्या आएगा, बिटवीन क्या आएगा, 69 70 एंड 71। ओके, इसी तरह ही 88 एंड 90 के दरमियान कौन सा नंबर आएगा, के बिटवीन कौन सा नंबर आएगा, पढ़ें 88 एंड 90 के बिटवीन 80
नाइन. ओके स्टूडेंट्स, 88, 89, 90. इसी तरह ही 56 और 58 के बिटवीन कौन सा नंबर आएगा? 56. 56 के बाद काउंटिंग करेंगे 57 एंड 58. 56, 57, 58. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह ही आपने इन बाकी कॉलम्स को फिल करना है. आई होप आपको पेज नंबर 9 की समझ आई होगी. जो सॉल्व मैंने नहीं किए वो आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है? आप इसको रीड आउट करेंगे, नंबर्स की काउंटिंग करेंगे और विच नंबर्स कम जस्ट आफ्टर एंड विच नंबर्स कम जस्ट बिफोर एंड विच नंबर इज कम इन बिटवीन, ठीक है? इस पूरे पेज को आपने सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है? ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11 की तरफ. 11 पेज करने से पहले हम आपको, आपको पता है आपके शेड्यूल में पेज नंबर 10 जो है वो क्या है? होमवर्क. यानी कि पेज नंबर 9 को देखते हुए उसको सारी उसके उसको समझते हुए आपने पेज नंबर 10 को सॉल्व करना है. जैसे जस्ट आफ्टर ये नंबर्स गिवन है, उसके आगे ब्लैंक्स दी हुई हैं और आपने इसको सॉल्व करते जाना है. जैसे 12 के बाद 13 एंड जस्ट बिफोर, बिफोर मीन 19 से पहले वाला नंबर, दैट इज 18. ओके स्टूडेंट्स, और इन बिटवीन नंबर 60 एंड 62 के सेंटर में या बिटवीन कौन सा नंबर आएगा? 61. आपने इन पूरे इस पूरे पेज को इसी तरह ही सॉल्व करना है. नेक्स्ट आप देखें, आपने ये स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है. जैसे ऊपर वाली स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था? राइट द नंबर डैट कम्स जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर एंड इन बिटवीन द गिवन नंबर. और दूसरे पार्ट में क्या है आपका? फाइंड द हिडन नंबर्स बिहाइंड द ब्लू स्पॉट. यहाँ पे आपको ब्लू स्पॉट्स गिवन है, ठीक है? तो आपने उन नंबर्स को फिल करना है. इनमें एक्स में कुछ नंबर्स जस्ट बिफोर के लिए के बाद पूछे होंगे ब्लू स्पॉट्स में, और कुछ नंबर्स आप जस्ट आफ्टर पूछे होंगे ब्लू स्पॉट्स में, और कुछ नंबर्स इन बिटवीन पूछे होंगे, ठीक है? तो आपने उन फिल इन द ब्लैंक्स को, उन नंबर्स को पढ़ते हुए फिल करना है इन एक्स को. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका पेज नंबर 11 है, तो वो देखें. पेज नंबर 11, ओपन इट स्टूडेंट. इस पेज को ओपन करें, सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं इसमें क्या लिखा है. नंबर्स, नंबर्स हमने स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, आपको पता है स्मॉलर नंबर के लिए और ग्रेटर नंबर के लिए एक स्पेसिफिक साइंस लगते हैं, ठीक है? जैसे हमने वन क्लास में क्या रीड आउट किया था कि एलिगेटर का जिस तरफ फेस ओपन होता है वो क्या होता है? वो बिग नंबर होता है. जैसे एलिगेटर बड़ी होती है ना, और जो उसके उसके बरक्स जो माउस है उसका फेस जो होता है वो छोटा होता है या बंद होता है, तो वो स्मॉल नंबर कंसीडर होता है. इसी तरह ही हम इन नंबर्स को, नंबर्स के लिए ये साइन यूज़ करेंगे, ठीक है? ग्रेटर और स्मॉलर का साइन. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते जा रहे हैं. जैसे यहाँ पर फर्स्ट कॉलम हमारे पास सॉल्व है, 46 एंड 42. इन दोनों में से विच नंबर इज ग्रेटर? आप एक नंबर आपने माइंड में रखें, आपने ग्रेटर को सॉल्व करना है या स्मॉलर को, ठीक है? हम ऐसा करते हैं, हम इनमें से देखते जाते हैं कि ग्रेटर कौन सा है, हम उसकी तरफ फेस ओपन करते जाते हैं. ओके, यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है एलिफेंट और माउस की, ठीक है? अब हम देखते जाते हैं, हम इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, 62 इज ग्रेटर या 16 इज ग्रेटर. यस, 62 इज ग्रेटर नंबर, तो हम उसकी तरफ फेस ओपन कर ये साइन लगाएंगे. इसी तरह ही विच नंबर इज ग्रेटर, 16 एंड 22. विच नंबर इज ग्रेटर? यस, 22 इज ग्रेटर, तो हम 2 की 22 की तरफ साइन जो है वो ओपन कर देंगे. ओके, फेस ओपन कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह ही आप देखें 13 एंड 31. विच नंबर इज ग्रेटर? 13, 1 पहले है, 1 स्टैंड्स एंड 3 वंस एंड 1 स्टैंड्स, ठीक है? दैट इज 13 एंड दैट इज 31. तो विच नंबर इज ग्रेटर? यस, 31 इज ग्रेटर नंबर, तो हम उसकी तरफ साइन ओपन करते जाएंगे. आप अगला नंबर देखें, 30 एंड 28. विच नंबर इज ग्रेटर? 30 एंड 28. जो नंबर ग्रेटर होता है हम उसकी तरफ साइन क्या करते हैं? ओपन कर देते हैं, फेस ओपन कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह ही आपने इस पूरे कॉलम को फिल करना है.
और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉलम की तरफ। ये आप देखें, आपको यहाँ पे कलर्स हुए हुए नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना लाजमी है, कलर द ग्रेटर नंबर्स इन ईच रो। हर रो में आप देखें, हर रो, ये रो होती है स्टूडेंट्स 1 एंड 2, ये पूरी एक रो बनती है, ठीक है। हर रो में आपको दो नंबर्स दिए हैं, जो नंबर ग्रेटर होगा हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको कलर कर देंगे 17 एंड 21। आपने ऊपर नीचे नहीं पढ़ना, सामने देख के पढ़ना है, दोनों नंबर्स क्रॉस में हैं तो आपने इन दोनों को पढ़ना है 17 21। विच नंबर इज ग्रेटर, यस 21 इज ग्रेटर। इन्होंने इनको क्या कर किया हुआ है, शेड किया हुआ है, कलर किया हुआ। आपने भी अपनी कलर्स पेंसिल यूज़ करनी है और ग्रेटर नंबर को शेड करते जाना है। 55 एंड 27, विच नंबर इज ग्रेटर, 55 इज ग्रेटर, ओके, तो डैट इज शेडेड। 24 82, तो आपको दिख रहा है ना कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, 82, तो आप इसको शेड कर देंगे। 82 28, विच नंबर इज ग्रेटर, वेरी गुड 82 इज ग्रेटर, तो हम इसको क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं 63 36, ओके आपने फर्स्ट नंबर देखना है, 6 फर्स्ट नंबर ग्रेटर है ना, तो वही अमाउंट ग्रेटर होती है। 63 एंड 36, विच नंबर इज ग्रेटर, यस 63 इज ग्रेटर, तो हम इसको क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। इसी तरह ही आपने हर नंबर्स में से, हर दोनों नंबर्स में से, हर रो में से दो नंबर्स ढूंढने हैं और देखना है कि कौन सा ग्रेटर है और हम उसको शेड करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको पेज नंबर 11 एंड 9 की समझ आ गई होगी। आपने इसको पूरे पेज को फिल करना है खुद से बाकी का, ठीक है, और जो समझाया है उसको अच्छे तरीके से समझना है। पेज नंबर 10 आपका यहाँ पे होमवर्क है, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, और पेज नंबर 9 और 11 जो हम आपको वीडियो लेक्चर में समझा दिया गया है उसको आप कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।